निहाओ फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज फाइनली मैंने इतने दिनों के बाद आयरन फार्म कंप्लीट कर दिया है सर्वाइवल में, और आज मैं उसका गेम प्ले आपको दिखाने वाला हूँ। सो ये रहा मेरा वो आयरन फार्म, पूरा कमांड ब्लॉक्स हैं। ओ भाई साहब, इतना सारा आयरन आ गया यार। मैंने बहुत सारे आयरन गन्स स्पॉन किए थे लिटरली यार। यार कितना सारा आयरन आ गया, देखो। मैंने ये बिल्कुल भी क्रिएटिव मोड से नहीं किया यार, सच में। मैं आपको टूर दिखाता हूँ, देखो ऐसे किया। लैगिंग वैगिंग होगा क्योंकि ये पीसी में ही करने में बहुत अच्छा है, नहीं तो लैग ही करता है। और देखो लैग कर रहा है कितना गंदा वाला। वो अगर आयरन गोलम मर जाएंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा, और आयरन गोलम मर जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा अपने आप ही। चलो मैं भी इसको नीचे फेंकता हूँ। ये एक ग्लिच हुआ है गाइस, जो पता है ये ग्लिच का मेरे पास कोई आइडिया नहीं है अभी। इसका आइडिया मैं बाद में लगाऊंगा, थोड़ा बहुत और स्पॉन करवाता हूँ, क्योंकि अगर और भी बहुत सारे प्रकट होंगे तो फिर अपना आयरन का झंझट ख़त्म हो जाएगा। अरे नीचे जाओ, अबे नीचे जाओ यार। एक रैप्टर मारूंगा यार, लैग में कैसे रैप्टर मारूंगा। तो नीचे अच्छा, ये भड़क चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ इसलिए भड़क गया है। क्योंकि ये मेरा गेम नॉर्मल पे है इसीलिए भड़क गया है ये। अगर मैंने इसको एक भी हिट मारा तो इसका हाथ ऐसे पतला हो जाएगा, और मैंने इसको हिट नहीं मारा तो इसका हाथ पतला नहीं होगा। चलो नीचे चलता हूँ, मुझे बस आधे हार्ट की डैमेज हुई है। मेरे पास अभी इतना आयरन है, उसके बाद देखना कितना सारा आ जाएगा। ये तो मैंने बस पॉकेट एडिशन के लिए एक फॉर्म बनाने की कोशिश की है, आप भी इस आइडिया को ट्राई कर लीजिएगा। तो सभी आयरन आ जाएगा, कोई नहीं भाई साहब। एक स्टैक हो गया मेरे पास आयरन, अभी मरने वाला, अभी मरने वाला। और ये लोग कैसे मरते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। ये लोग बिकॉज मैंने उधर माइनकार्ट विथ हॉपर और चेस्ट, माइनकार्ट विथ हॉपर लगाया है और नीचे हॉपर लगाया है, इससे कि वो मैग्मा ब्लॉक्स से कनेक्ट हो जाए और जाके जितना भी सारा सामान है सारा का सारा हॉपर में पहुँचे और हॉपर में जाके चेस्ट में आ जाए। तो मैंने ये एक आइडिया लगाया है। मैं तब तक थोड़ा सा नदी में घूम के आता हूँ यार। आयरन गोलम ओ मर रहे हैं, सुना देखो। अगर ऐसा होगा तो फिर तुम्हारे आयरन गोलम मर रहे हैं, ऐसा समझ लेना। ये देखो कितनी स्पीड से आयरन आ रहा है, अभी बहुत सारे बाकी हैं। मैं तब तक थोड़ा सा टूर करवा के आता हूँ आपको, तब तक ये आई गेस पूरा का पूरा फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पर ड्राउन ज़ॉम्बी भी होते हैं, लेकिन मैंने अपनी गेम कुछ और पे सेट करके रखी है इसलिए नहीं है ड्राउन ज़ॉम्बी। ये देखो इसमें पानी के फ्लो से ही ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे इसके अंदर एक्वा एफिनिटी और ये सब कुछ लगा हुआ है, इसीलिए खतरनाक वाला आर्मर बन चुका है। वाटर कितना सुंदर है देखो। तो इन सब के बावजूद भी मैंने इतना इतना सारा आयरन कलेक्ट किया। ओ भाई साहब, कितना सारा आयरन आ रहा है, देखो 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 इतना सारा। यार विश्वास ही नहीं हो रहा इतना सारा आयरन मिल गया यार। मैं इनसे फटाफट से डाई बना लेता हूँ, ठीक है, तो अपना एक झंझट काम मिट जाएगा। और यहाँ पर कुछ कुछ दिखा रहे हैं कि रेड डाई बनेगा, रेड पेड बनेगा, इससे कैंडल बनेगा, इससे ये भी बनेगा, ये भी। ये सारी की सारी रेसिपी निकल के आई है। ये एक रेड कैंडल बन जाएगा, ओके।
फटाफट से इनको डाई में कन्वर्ट कर लेता हूँ रेड डाई, क्योंकि रेड डाई भी बहुत यूज़फुल होती है। ओ बेटे दी जान, बेटे दी जान, वाह कितना सारा आयरन आ गया, कितना सारा। ये देखो ना उस बहुत आयरन आ चुका है, और भी चलाते हैं तो मैं इसको चलाता ही रहूँगा। तो गाइस यार आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके लाइक ठोक देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1 लाख लाइक के लिए, तो जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और हाँ गाइस, जो भी चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। और मैं आप लोगों को सुनता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।